ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस मीन्स टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। सैंपल से जो हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन का रिजल्ट है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, एक एस्टिमेशन और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन में हमने दो तरीके आगे से किए, एक पॉइंट एस्टिमेशन किया और एक इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में हमने क्या पढ़ा कि एक सिंगल वैल्यू जो सैंपल से कैलकुलेट की गई है वो पूरी पॉपुलेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। मसलन अगर हमने सैंपल से मीन निकाला है या उसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया है तो हम कहेंगे यही मीन जो है ये पॉपुलेशन का मीन है, यही प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है। जबकि इंटरवल एस्टिमेशन में हमने एक रेंज ऑफ वैल्यूज दी जिसमें हमने कहा विद सम स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी आर पैरामीटर विल फॉल इन दिस इंटरवल, से दिस इंटरवल इज ए एंड बी। और एस्टिमेशन का जो टॉपिक है हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिटेल से डिस्कस किया है। अब हम आते हैं इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के दूसरे तरीके की तरफ, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस क्या होता है? बाय डेफिनेशन अगर देखें अ सपोजिशन और एक्सप्लेनेशन दैट इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट सर्टन इवेंट्स और फिनोमिना and to provide guidance for further investigation. A hypothesis is the tentative statement about the relationship between two or more variables. यानी कि hypothesis में हम एक phenomena को interpret करने के लिए एक statement set करते हैं, एक hypothesis बना लेते हैं, statement assume कर लेते हैं कि ये इस तरीके से है और फिर statistical tool को इस्तेमाल करते हुए उसको verify करते हैं कि either this statement should be accepted or not. स्टेटिस्टिकली आप इसको कह लें कि एन अजम्पशन अबाउट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। यानी कि जो भी अजम्पशन हम बनाते हैं, जो भी हाइपोथेसिस स्टेटिस्टिक्स में हम बनाते हैं दैट इज अबाउट अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मीन को हम देख सकते हैं कि इस पॉपुलेशन का मीन क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, डिफरेंस ऑफ मीन क्या है। पॉपुलेशन की कोई भी प्रॉपर्टी को हम लेकर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। The statistical procedure for testing a hypothesis requires some understanding of null hypothesis and alternative hypothesis. जब हम hypothesis बनाते हैं तो हम दो तरह के hypothesis बनाते हैं, एक null hypothesis, एक alternative hypothesis. Null hypothesis is tested for possible rejection. अब null hypothesis को हम किस तरह state करेंगे? A null hypothesis is the hypothesis that there is no relationship between two or more variable. क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, वो इसलिए कि अगर हम कोई स्टेटमेंट सेट करते हैं या अगर हम कुछ अज्यूम करते हैं या कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं वो तभी हम बनाते हैं किसी फिनोमिना के बारे में जब उसके बारे में हम डाउटफुल होते हैं। अगर किसी फिनोमिना किसी इवेंट के बारे में अगर हम श्योर हो तो उसको हमें टेस्ट करने की जरूरत ही ना हो, और जब किसी चीज के बारे में हम डाउटफुल हो तो उसको हम देखते हैं कि इसकी पॉसिबल रिजेक्शन क्या है। उस पॉसिबल रिजेक्शन को हम नल हाइपोथेसिस के जरिए टेस्ट करते हैं और मैथमेटिकली इसको हम डिनोट करते हैं एच नोट से। और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इसका उलट होता है। अगर हमने नल हाइपोथेसिस में ये कहा है कि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल तो इसमें हम कहेंगे कि देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। मैथमेटिकली इसको एच ए या एच वन से डिनोट किया जाता है। जब इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वेलिटी साइन आता है, इक्वल साइन, जबकि ये इसका उलट होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ नॉट इक्वल का साइन होगा या लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का साइन आएगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस को कैसे स्टेट किया जा सकता है।
यू माइट हैव कम अप विद द मयूरेबल हाइपोथेसिस डेट चिल्ड्रन हैव अ हायर IQ इफ दे ईट ऑयली फिश फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम ये कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो एक स्पेसिफिक पीरियड में कह लें कि 6 महीने अगर उनको ऑयली फिश दी जाए तो उनका IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा? चिल्ड्रन हु ईट ऑयली फिश फॉर 6 मंथ्स डू नॉट शो हायर IQ। जाहरी बात है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो पॉसिबल रिजेक्शन के लिए यूज होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे चिल्ड्रन हु ईट ऑयली फिश फॉर 6 मंथ्स डू नॉट शो हायर IQ, यानी कि ऑयली फिश अगर लेते भी हैं 6 महीने तो उनके IQ लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि ऑल्टरनेटिव इसका उलट है, तो हम यहाँ कहेंगे कि चिल्ड्रन हु ईट ऑयली फिश फॉर 6 मंथ्स विल शो अ हायर IQ। अ कॉमन स्टेटिस्टिकल मेथड इज टू कम्पेयर पॉपुलेशन टू द मीन। आमतौर पर जो पॉपुलेशन को कम्पेयर किया जाता है वो उसके मीन के साथ किया जाता है। मसलन अगर ऑयली फिश लेने से पहले बच्चों का मीन IQ लेवल 100 है तो हम लिखेंगे कि H0 विल बी म्यू इक्वल टू 100। तो इसका मतलब ये है कि अगर बच्चों को 6 महीने ऑयली फिश दी गई है तो उनके IQ लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 100 का 100 ही है। सो हम कह सकते हैं देर इज नो इंक्रीज इन द मीन इंटेलिजेंस। अगर ऑयली फिश बच्चों को 6 महीने दी गई है और उनका IQ लेवल इंक्रीज कर जाता है 100 से ऑन द एवरेज, तो उनका मीन IQ लेवल जो है वो 100 से ज्यादा हो जाता है, 105 हो जाता है, 106, 107, तो हम ये कहेंगे कि ऑयली फिश लेने से बच्चों की मीन इंटेलिजेंस में इजाफा हुआ है। द चिल्ड्रन विल शो एन इंक्रीज इन द मीन इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ एरर एंड व्हाट आर एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। The purpose of hypothesis testing is to reject or not reject the null hypothesis based on statistical evidence. यानी कि जब hypothesis testing हम करेंगे तो वहां पे हमारा जो null hypothesis है वो या तो reject हो सकता है या reject नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि जब हम उसको reject कर रहे हों तो वो true हो, और ये केस भी arise हो सकता है जब उसको हम reject ना कर रहे हों जब वो false हो। जब इस तरह के केसेस अराइज होंगे तो इसका मतलब है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में एरर अकर कर रही है। एंड बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर वी कैन मेक इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। नंबर वन टाइप वन एरर और नंबर टू टाइप टू एरर। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कहेंगे टाइप वन एरर इज व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड डिस्पाइट द टेस्ट ऑन डेटा शोइंग दैट आउटकम वाज ट्रू, मींस रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। और टाइप टू एरर क्या है? व्हेन नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड डिस्पाइट द टेस्ट ऑन डेटा शोइंग दैट आउटकम वाज फॉल्स, मींस एच नॉट रॉन्ग है लेकिन वो रिजेक्ट नहीं हो रहा। टाइप वन एरर, अ टाइप वन एरर आल्सो नोन एज एरर ऑफ द फर्स्ट काइंड, इसको फर्स्ट काइंड एरर भी कहते हैं। और ये क्या है? व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट इज रिजेक्टेड, सही होने के बावजूद उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अ टाइप वन एरर मे बी कंपेयर्ड विद सो कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव, इसको फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। द रेट ऑफ द टाइप वन एरर इज कॉल्ड द साइज ऑफ द टेस्ट एंड डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर एल्फा। और ये जो है सिग्निफिकेंस लेवल के इक्वल होता है, जैसा कि हमने पीछे कॉन्फिडेंस इंटरवल में पढ़ा, सिग्निफिकेंस लेवल इज डिनोटेड बाय अल्फा। इफ टाइप वन एरर इज फिक्स 5%, इट मींस दैट देयर आर अबाउट 5 chances in 100 दैट वी विल रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। सपोज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये होगा कि 100 में से 5 दफा ऐसा हो सकता है कि हम एच नॉट को रिजेक्ट कर दें व्हेन इट इज ट्रू। टाइप टू एरर, टाइप टू एरर आल्सो नोन एज एरर ऑफ द सेकेंड काइंड। टाइप वन एरर को हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ द फर्स्ट काइंड। और टाइप टू एरर को हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ द सेकेंड काइंड। इट अकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट erroneously fail to be rejected। ये कब अकर होती है? कि जब null hypothesis false होता है लेकिन हम उसको reject नहीं करते। Type 2 error means accepting the hypothesis when we should have been rejected। A type 2 error may be compared with so-called false negative। Type 1 error को हम क्या कहते हैं? False positive।
और टाइप टू एरर को क्या कहते हैं, फॉल्स नेगेटिव। द रेट ऑफ द टाइप टू एरर इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर बीटा एंड रिलेटेड टू द पावर ऑफ अ टेस्ट विच इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा। टाइप वन एरर हमारे पास क्या था, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, और टाइप टू एरर डिनोटेड बाय बीटा। और जो टाइप टू एरर है इट इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ अ टेस्ट, इसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा। आइए इसको टेबलेट फॉर्म में देखते हैं दोनों एरर्स को, आपको याद रखना ज्यादा आसान होगा। एक तरफ हमने ले लिया नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज ट्रू और एच नॉट इज फॉल्स। एच नॉट मीन नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट एच नॉट हाइपोथेसिस एक डिसीजन ले लिया, दूसरा ले लिया फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अच्छा, जब हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब है ये फॉल्स डिसीजन है एंड देयर अराइजेस टाइप वन एरर। दूसरा है अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जारी बात है अगर ये ट्रू है नल हाइपोथेसिस तो अगर हम उसको रिजेक्ट नहीं करते इसका मतलब है ये करेक्ट डिसीजन है, इट इज ट्रू डिसीजन, तो यहां कोई एरर अकर नहीं हो रही। सिमिलरली अगर आप इस पे जाएं नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यानी कि अगर वो फॉल्स है तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये भी करेक्ट डिसीजन है, यहां भी कोई एरर अकर नहीं हो रही। लेकिन अगर हम यहां आए तो नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स लेकिन हम फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, अगेन यहां इसका मतलब है एरर अकर हो रही है और दिस एरर इज ऑफ सेकेंड काइंड, इसको कहते हैं टाइप टू एरर। आइए इस फिगर से हम टाइप वन और टाइप टू एरर को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अंडर एच नॉट है जो रेड से ड्रॉ की गई है, और ये जो येलो सारा एरिया है ये क्या है, हम कह रहे हैं ये अल्फा है हमारे पास, ये यहां से यहां तक जो वैल्यू वो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है। और जो अंडर एच ए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है जो कि ये ग्रीन से ड्रॉ की गई है, और इसका जो एरिया एच नोट के एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करता है, क्योंकि जो ये जो सारा बाकी एरिया है ये क्या है, एच नोट का एक्सेप्टेंस रीजन। ये जो ब्लू वाला है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बीटा है, टाइप टू एरर, ये हमारे पास बीटा वैल्यूज हैं। तो जो येलो वाला एरिया है हम कहेंगे दिस इज टाइप वन एरर, और जो ये हमारे पास ब्लू वाला एरिया है दिस इज आर टाइप टू एरर। इफ वी डिक्रीज टाइप वन एरर देन इट विल इंक्रीज टाइप टू एरर वाइस वर्सा। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के उलट है, अंडर एच नॉट जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका रिजेक्शन रीजन हम स्मॉल कर देते हैं तो इससे क्या होगा, ये ब्लू वाला एरिया बढ़ जाएगा ना, तो इससे क्या होगा बीटा टू जो है टाइप टू एरर इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम रिजेक्शन रीजन बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं ये हमारा अल्फा है, यहां पे हमारा अगर अल्फा है तो इससे क्या होगा बीटा हमारा डिक्रीज हो जाएगा, बीटा का एरिया जो है वो थोड़ा सा रह गया यहां से यहां तक, यानी कि एक एरर बढ़ाने से दूसरी एरर डिक्रीज हो जाती है और एक के डिक्रीज होने से दूसरी एरर बढ़ जाती है। द चांसेस ऑफ मेकिंग अ टाइप वन एरर इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास क्या है मार्जिन ऑफ एरर, से कि ये हमारे पास टाइप वन एरर है। अब ये सारा एरिया हमारे पास क्या है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर हम कहते हैं कि ये 5% है तो ये हमारे पास 95% होगा ना, तो ये हमारे पास क्या है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिक्रीजिंग द टाइप वन एरर, अगर हम कहते हैं कि हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो 95 नहीं है, हम कहते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा तो 99% है, 99% तो एरर हमारी भी कितनी हो जाएगी 1%। तो इस तरीके से हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करके टाइप वन एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब टाइप टू एरर को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, टेस्ट कंडीशन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इन टर्न रिड्यूसेस टाइप टू एरर।
दिस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ टाइम्स वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस विद द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइप वन एरर्स। ये वही बात जो हमने पहले डिस्कस की है, अगर रिजेक्शन रीजन हमारा स्मॉल होगा तो बीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जो जो रिजेक्शन रीजन वाइड होता जाएगा बीटा की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी और अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मीन्स रिड्यूसिंग वन टाइप एरर कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ इंक्रीजिंग द अदर टाइप ऑफ एरर। मीन्स देयर इज नॉट अ सच क्वांटिटी विच कैन रिड्यूस बोथ ऑफ द एरर साइमल्टेनियसली। हमारे पास ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जो दोनों को साइमल्टेनियसली रिड्यूस कर सके। एक को रिड्यूस करेंगे तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो पहले वाला इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, अब टाइप टू एरर एंड पावर, इन दोनों में आपस में क्या लिंक है? पावर ऑफ अ टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेटिव इज ट्रू। पावर ऑफ अ टेस्ट का मतलब ये है कि जो टेस्ट हम यूज कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए वो कितना सफिशिएंट है। पावर किसके इक्वल होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा, क्योंकि बीटा हमारे पास क्या है? टाइप 2 एरर। To minimize the type 2 error, we equivalently want to maximize the power. यानी जितनी बीटा की वैल्यू स्मॉल होगी उतनी हमारी पावर ज्यादा होगी, उतना ही हमारा पावर ऑफ टेस्ट सफिशियंट होगा। अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा 2.36 है तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 माइनस बीटा 1 माइनस 0.36, विच इज इक्वल टू 0.64, एंड बीटा इज कैलकुलेटेड अंडर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देर आर टू अप्रोचेस फॉर रिजेक्शन क्राइटेरिया इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वन इज कॉल्ड क्लासिकल अप्रोच एंड सेकेंड इज कॉल्ड पी वैल्यू अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में अल्फा को फिक्स कर दिया जाता है और क्रिटिकल रीजन कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल कर जाए क्रिटिकल रीजन में तो देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज इट इज नॉट रिजेक्टेड। एंड सेकेंड अप्रोच इज पी वैल्यू अप्रोच। पी वैल्यू मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस द सैंपल डेटा प्रोवाइड्स अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, या आप कह लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस दिस स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जेड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। और ये हमारे पास पी वैल्यू है, या आप ये कह सकते हैं पी वैल्यू इज एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। इट गिव्स अ मिनिमम वैल्यू एट विच वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्लासिकल अप्रोच में जैसा कि पहले बताया कि अल्फा को फिक्स करके क्रिटिकल रीजन हम बना लेते हैं, और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू उस क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाए तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट, अदरवाइज हम इसको रिजेक्ट नहीं करते। जबकि पी वैल्यू अप्रोच में जब पी वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है तो रिजेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड्स ऑन इफ पी वैल्यू लेस देन अल्फा तो देन वी विल रिजेक्ट एच नॉट, और अगर पी वैल्यू जो है ग्रेटर देन अल्फा हो देन वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट। पी वैल्यू अप्रोच में हमें क्रिटिकल रीजन कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं होती। रिजेक्शन क्राइटेरिया जो है वो डिपेंड कर रहा होता है इन दो कंडीशंस पर। पी वैल्यू को यहाँ ब्रीफली डिस्कस किया गया है, आगे जाके हम एग्जाम्पल करेंगे जिसमें दोनों अप्रोचेस को यूज किया जाएगा और इससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, एक सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। अ सिंपल हाइपोथेसिस इज वन इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड। For example, if the height of a college students are normally distributed with variance 4 and hypothesize that its mean mu is 62 inches, और हमारा hypothesis बनता है mu equal to 62। अब इस distribution के दो parameters हैं mean and variance, और दोनों specified हैं। Mean जो है वो 62 inches है और variance क्या है हमारे पास 4। Specified means के एक specific value given है।
हम ये नहीं कह रहे कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो लेस देन 4 है या ग्रेटर देन 4 है, या ये नहीं कहा जा रहा कि मीन जो है वो ग्रेटर देन 62 है या लेस देन 62 है। जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स की वैल्यू स्पेसिफाइड होती हैं, तो हमारा जो हाइपोथेसिस बनता है उसको हम कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। जैसे कि इस हाइपोथेसिस में भी म्यू इक्वल टू 62 है, जबकि अ हाइपोथेसिस विच इज नॉट सिंपल means in which not all the parameters are specified is called composite hypothesis. For instance, if we hypothesize that mu, अगर हम कहते हैं mu greater than 62 है और उसका variance 4 है, या हम ये कह ले mean 62 है या variance जो है वो less than 4 है, इस केस में जो hypothesis बन रहा है वो composite hypothesis है, क्योंकि यहाँ पे parameter values को specified नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ mu की value 62 भी हो सकती है, 63 भी हो सकती है, 64 and so on. कोई specific value हम नहीं दे रहे हैं parameter की। या ये hypothesis अगर बनाए तो sigma square less than 4 है तो ये 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसमें हमारा पैरामीटर वेरियंस स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रहा। ऐसे हाइपोथेसिस को हम कहेंगे कंपोजिट हाइपोथेसिस, बिकॉज वी कैन नॉट नो द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन ईदर केस। ऑब्वियसली द पैरामीटर म्यू ग्रेटर देन 62 एंड सिग्मा स्केल लेस देन 4 हैव मोर देन वन वैल्यू एंड नो स्पेसिफिक वैल्यूज आर बीइंग असाइंड। क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो आपको पहले भी होगा, लेकिन बाय डेफिनेशन द क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन, एक ही चीज के ये दो नाम है, इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर विच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इन अ हाइपोथेसिस टेस्ट। दैट इज द सैंपल स्पेस फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज पार्टीशन इनटू टू रीजंस। वन रीजन द क्रिटिकल रीजन विल लीड अस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट एंड द अदर विल नॉट। सो इफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज द मेंबर ऑफ द क्रिटिकल रीजन, we conclude reject H naught, and if it is not a member of the critical region then we conclude do not reject H naught। जैसा कि ये distribution आप देख रहे हैं और ये हमारे पास क्या है, critical region, this is critical region blue one, और ये सारा हमारे पास क्या है, acceptance region। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाए तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को। इसी तरीके से क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे भी बन सकता है या टू साइडेड भी क्रिटिकल रीजन होता है, और वो वैल्यू जो एक्सेप्टेंस रीजन और क्रिटिकल रीजन को सेपरेट करती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ पे लेते हैं जी स्कोर्स, जी अल्फा, या अगर टू साइडेड है दोनों टेल्स पे क्रिटिकल रीजन है तो अल्फा बाय टू, अल्फा को टू से डिवाइड कर दिया जाता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज अल्फा एंड द रिजेक्शन रीजन। अब जो क्रिटिकल रीजन है वो एच वन पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर हमने ये कहा है कि मीन जो है वो लेस देन 3 है, तो जब यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो लेस देन का होगा तो लेफ्ट टेल पे क्रिटिकल रीजन होगा, और अगर हमारा म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो इसका क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे होगा, और अगर ये नॉट इक्वल टू है, इक्वल और नॉट इक्वल टू है, तो हमारे अल्फा की जो वैल्यू है वो टू से डिवाइड होके दोनों साइड पे क्रिटिकल रीजन बनाएगी। यहाँ पे हमारे पास अल्फा ही होगा, जेड अल्फा, ये भी जेड अल्फा, ये माइनस जेड अल्फा हो जाएगा, ये प्लस जेड अल्फा हो जाएगा, और यहाँ अल्फा टू से डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा जेड अल्फा बाय टू माइनस जेड अल्फा बाय टू, तो ये प्लस जेड अल्फा बाय टू। इफ द रिजेक्शन रीजन इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू टेल्स of the sampling distribution of the test statistic, the test is referred to a two-tailed test or two-sided test. जब हमारे पास hypothesis equal or not equal to होगा, then alpha is divided equally between the two tails of the critical region. और अगर हमारी calculated value either side fall कर जाए तो हम reject कर देंगे H naught को, और ये जो green वाला area है अगर हमारी value इसमें fall करेगी तो we will fail to reject H naught. सिंपली आप ये कह लें कि टू टेल टेस्ट में हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो इस केस में बनता है इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि मीन या तो लेस देन है या ग्रेटर देन फॉर्म में है। राइट टेल्ड टेस्ट, ये हमारे पास आ गया वन टेल टेस्ट भी इसको कहते हैं, अ टेस्ट फॉर विच द एंटायर रिजेक्शन रीजन इज लोकेटेड ओनली इन वन ऑफ द टू टेल्स, इधर इन द राइट टेल और इन द लेफ्ट टेल of the sampling distribution. It is called one tail test or one sided test. अब ये देखें इधर जो साइन है वो ग्रेटर फॉर्म में होगा, क्रिटिकल रीजन बनेगा राइट साइड पे, ये हमारा क्रिटिकल रीजन है, और लेफ्ट टेल टेस्ट जो है वो
हमारे पास जो हाइपोथेसिस होगा एच वन वो लेस देन के फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल रीजन हमारा लेफ्ट साइड पे होगा. दिस इज क्रिटिकल रीजन, कि जिसमें अगर हमारी कैलकुलेटिव वैल्यू फॉल कर जाए तो हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को. तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर रिजेक्शन रीजन इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू टेल्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, टू टेल टेस्ट. और अगर क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा हो इधर ऑफ द टेल, या तो लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहा हो या तो राइट साइड पे फॉल कर रहा हो, तो इसको हम कहेंगे वन टेल टेस्ट. अब हम आते हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए कौन से प्रोसीजर और कौन से स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहले तो पहला स्टेप हमारा होता है स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सबसे पहले हम हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं, फिर दूसरे स्टेप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो सेट करते हैं. जो कि अल्फा होता है. एंड इन थर्ड स्टेप वी चूज एन एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक. टेस्ट स्टेटिस्टिक्स चूज किया जाता है अंडर अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन. फोर्थ में हम कैलकुलेशंस करते हैं. जोन सभी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हम यूज कर रहे होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस की जरूरत होगी. हो सकता है हमें मीन फाइंड आउट करना पड़े, सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़े, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. फिफ्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन कंस्ट्रक्ट करेंगे. एंड लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ एच वन. एच वन पे डिपेंड कर रहा होगा. अगर तो एच वन हमारे पास नॉट इक्वल टू की फॉर्म में है तो हमारा क्रिटिकल रीजन जो है वो दोनों साइड पे फॉल कर रहा होगा, अल्फा को टू से डिवाइड कर दिया जाएगा. और अगर हमारा क्रिटिकल रीजन जो है लेस देन या ग्रेटर देन की फॉर्म पे होगा तो हमारा क्रिटिकल रीजन जो है वो एक साइड पे फॉल करेगा. लेस देन होगा तो इस साइड पे करेगा, ग्रेटर देन होगा एच वन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी तो राइट साइड पे फॉल करेगा. ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ जाएगा. और फाइनल स्टेप में कंक्लूजन ड्रा करेंगे. अगर तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से आएगी वो फॉल कर जाएगी क्रिटिकल रीजन में तो हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट. क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो देन वी विल रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज विल नॉट रिजेक्ट. नाउ वी विल डील विद द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट विच आर बेस्ड ऑन जी डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ जी डिस्ट्रीब्यूशन. इन केस वन वी विल टेस्ट वेदर द मीन ऑफ आर नॉर्मल पॉपुलेशन इज इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू दैट इज म्यू नॉट व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नॉन. इन केस टू वी विल टेस्ट वेदर द मीन ऑफ आर नॉर्मल पॉपुलेशन इज इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन एंड सैंपल साइज इज लार्ज. केस थ्री में हम मीन को ही टेस्ट करेंगे फॉर अ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन विद अ लार्ज सैंपल साइज. इन केस फोर वी विल टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस दैट इज म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू व्हेन सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर नॉन. इन केस फाइव वी विल टेस्ट द डिफरेंस ऑफ टू मीन्स बट इन केस ऑफ व्हेन सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर अननोन.
इन केस सिक वी विल टेस्ट डिफरेंस ऑफ मीन व्हेन वी हैव नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द सैंपल साइजेस आर लार्ज. इन केस सेवन वी विल टेस्ट वेदर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज. And we will test whether the difference of a population proportion is equal to a specified value when the sample size is large. पहले हम केस वन को डिस्कस करते हैं. That is testing hypothesis about mean of a normal population when sigma is known. इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. In step वन state null and alternative hypothesis. अच्छा जी, तीन तरह के हाइपोथेसिस बन सकते हैं. अगर एच नोट में हम कहते हैं कि मीन इक्वल टू सम स्पेसिफाइड वैल्यू डेट इज म्यू नोट, तो इसके वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होगा. म्यू नोट इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू. अनदर पॉसिबल हाइपोथेसिस कैसे स्टेट किया जा सकता है. अगर नल हाइपोथेसिस लेस देन एंड इक्वल टू म्यू नॉट है तो इसके वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा. इसका उलट, लेस देन एंड इक्वल टू का उलट होगा ग्रेटर देन म्यू नॉट. ये बात याद रखें कि इक्वेलिटी साइन जो है वो हमेशा एच नॉट में आएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इक्वेलिटी साइन नहीं आएगा. इसी तरीके से थर्ड पॉसिबल वे ऑफ स्टेटिंग हाइपोथेसिस इज अगर ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू म्यू नॉट है तो इसके वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा. दूसरे स्टेप में वी विल चूज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक. मीन की टेस्टिंग के लिए व्हेन सिग्मा इज नॉन तो हम यूज करेंगे जी टेस्ट. ये आ जाएगा अंडर एच नॉट व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टैंडर्ड नॉर्मल. फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारे पास. डिटरमिन क्रिटिकल रीजन. क्रिटिकल रीजन जो है वो डिपेंड करेगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे. अगर हम पहला केस लें जिसमें अल्टरनेटिव इज म्यू इक्वल टू म्यू नॉट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिटिकल रीजन हमारे पास बनेगा जेड एब्सोल्यूट जेड अल्फा बाय टू. इसमें अल्फा को टू से डिवाइड कर देंगे या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा बाय टू एंड एन लेस देन माइनस जेड अल्फा बाय टू. बी केस में जिसमें अल्टरनेटिव हमारे पास था म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, इस केस में क्रिटिकल रीजन हमारे पास क्या होगा. जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा. यहां वन टेल क्रिटिकल रीजन हमारे पास होगा. ये हमारे पास जी एक्सिस है. जी एक्सिस के जो मीन है हमेशा जीरो होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. और इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज है, इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज है हमारे पास. ये हम जेड पॉजिटिव है तो ये यहां कहीं अगर लाई करता है तो ये जेड अल्फा इससे ग्रेटर वाला ये एरिया बनेगा क्रिटिकल रीजन का. ये जो हमने बनाया था इसी तरीके से ये जीरो, ये माइनस जेड अल्फा बाय टू था, ये प्लस जेड अल्फा बाय टू था, ये क्रिटिकल रीजन था. केस सी अगर डिस्कस करें तो ये है म्यू लेस देन म्यू नॉट. तो इस केस में जो साइन इधर है वही इधर आएगा. ये भी वन टेल्ड क्रिटिकल रीजन है तो ये माइनस जेड अल्फा बनेगा
और इस जी नेगेटिव साइड पे फॉल कर रहा है, क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू, तो हम कहते हैं अगर यहां कहीं माइनस जेड एल्फा है तो ये वाला हमारे पास क्रिटिकल रीजन हो जाएगा। ये सब क्रिटिकल रीजन। अच्छा जी, फिफ्थ स्टेप जो होगा हमारे पास वो कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन का होगा। मीन्स जेड की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, अगर एक्स बार नहीं है तो वो कैलकुलेट किया जाएगा। पहले केस की एग्जांपल करते हैं, विच इज डज एन एवरेज बॉक्स ऑफ अ सीरियल कंटेन 368 ग्राम्स ऑफ सीरियल, रैंडम सैंपल ऑफ 25 बॉक्सेस शॉर्ट मीन 372.5 एंड कंपनी हैज स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन 15 ग्राम, टेस्ट एट द लेवल ऑफ 0.05। पहला स्टेप क्या था, स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। किस चीज को हमने टेस्ट करना है, यहाँ एक सीरियल का जो बॉक्स है उसमें ऑन द एवरेज 368 ग्राम सीरियल है या नहीं, इस चीज को हमने टेस्ट करना है। तो हम लिखेंगे हाइपोथेसिस में कि जी ऑन द एवरेज तो 368 ग्राम इसमें सीरियल है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा कि नहीं है, 368 ग्राम नहीं है, कम है या इससे ज्यादा है। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया, इक्वल और नॉट इक्वल वाला है, तो दिस इज टू टेल टेस्ट। अब दूसरा है अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या था 0.05। थर्ड स्टेप क्या था, टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर एच नॉट विच इज जेड एक्स बार माइनस म्यू नॉट, सिग्मा भी गिवन है तो ये आ गया अंडर एच नॉट व्हेन जी हैज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल रीजन। अब ये टू टेट के लिए क्रिटिकल रीजन हमने क्या बताया था, विच इज एब्सोल्यूट का मतलब है एक तरफ माइनस लेंगे एक तरफ प्लस के साथ, अल्फा बाय टू के साथ जो बनेगा, तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन आ गया। अल्फा बाय टू, अल्फा हमारे पास क्या है 0.05, टू से डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.025। टेबल वैल्यू देखी तो ये आ गया 1.96। टेबल वैल्यू देखनी अब तक तो आपको आ गई होगी, क्योंकि हमने काफी डिटेल से पिछले चैप्टर्स में टेबल वैल्यू देखना आपको बताई है। तो एक दफा माइनस में माइनस 1.96 और ये एक दफा 1.96 इधर आ गया। अगर 1.96 से एक्सीड करेगी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू तब भी हम रिजेक्ट कर देंगे एच नोट को, इससे अगर कम होगी तब भी हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट। फिफ्थ में हम जी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, सैंपल मीन हमारे पास क्या था 372.5 और एक्स बार माइनस म्यू नॉट है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या है, ये म्यू नॉट है, तो ये 368, सिग्मा हमारे पास है 15 और विच इज डिवाइडेड बाय एन, एन हमारे पास क्या है 25। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो वैल्यू आती है हमारे पास 1.50। अच्छा जी, अब ये 1.50 जो है ये यहां पे यहां कहीं फॉल करेगी, क्योंकि यहां से आगे तो वैल्यू बढ़ती जाएंगी, 1.96 से आगे 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका मतलब है 1.5 एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है। तो सिक्स स्टेप जो है हम कंक्लूड करेंगे, एज कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इज जेड इक्वल टू 1.50 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट। इसका मतलब है हमारे पास इतनी एविडेंस नहीं है कि हम इस क्लेम को रिजेक्ट कर सके कि ऑन द एवरेज सीरियल बॉक्स में 368 ग्राम सीरियल है। अच्छा, ये तो मेथड हो गया क्लासिकल अप्रोच से। इसी क्वेश्चन को हम कंक्लूड करते हैं बाय यूजिंग द पी वैल्यू अप्रोच।
इसमें उसी तरीके से हम स्टेप फॉलो करेंगे, एच नॉट विच इज म्यू इक्वल टू 368, एच वन 368, सेकेंड स्टेप में अल्फा 0.05, थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक विच इज एक्स बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा एन स्क्वायर रूट, इसको कैलकुलेट किया था तो 1.5 आया था। फोर्थ में हम क्या करेंगे, पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन एन इक्वल टू जेड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये हमारे पास जेड ऑब्जर्व वैल्यू है, ये डेटा को यूज करते हुए आई है, तो ये वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1.5। इसको हमने ड्रॉ किया, ये जी एक्सिस है, सेंटर में जीरो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमारे पास जीरो होता है। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास 1.5 है, तो ये हमने डाटा फाइंड आउट करना है। टेबल से हम यहां से यहां तक का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। 1.5 को जब टेबल में देखा तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.4332। ये यहां से यहां तक का एरिया है, और यहां से लेके यहां तक का जो एरिया 0.5 है, 0.5 में से माइनस किया 0.4332 विच इज इक्वल टू 0.0668, तो ये एरिया आ गया ये वाला। तो पी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0668। अब पी वैल्यू को यूज जब हम करते हैं तो हमें क्रिटिकल रीजन बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। एज पी वैल्यू विच इज इक्वल टू 0.0668 ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि 0.0668 जो है ग्रेटर देन 0.05 है, देन वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फा हो तो हम रिजेक्ट करते हैं एच नॉट को, और पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा हो तो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो दिस इज द रिजल्ट बाय यूजिंग द अप्रोच ऑफ पी वैल्यू। आगे जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो हम क्लासिकल मेथड को यूज करते हुए ही करेंगे, लेकिन हायर लेवल पे और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में पी वैल्यू अप्रोच ही यूज की जाती है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। द हाइट ऑफ कॉलेज मेल स्टूडेंट आर नॉन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 67.39 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.30 इंचेस। अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट्स शोड अ मीन हाइट ऑफ 67.47 इंचेस। Using a 0.05 significance level, test the hypothesis. Mean जो है वो 67.39 है, और उसका alternative hypothesis क्या है कि mu is greater than 67.39. Firstly, we will state null and alternative hypothesis which is already given, which we have to test. That is mean equal to 67.39, और ऑल्टरनेटिव क्या है, मेन हाइट जो है स्टूडेंट्स की 67.3 इंचेस नहीं है बल्कि इससे ज्यादा है, तो डेट इज 67.39। क्योंकि ये स्पेसिफाइड नहीं कर रहा वैल्यू को, इट इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट। दूसरा स्टेप अल्फा, अल्फा क्या है 0.05। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड विच इज जेड एक्स बार माइनस म्यू नॉट अंडर एच नॉट व्हेन Z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ में क्या हम करेंगे, क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करेंगे, वो डिपेंड करेगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। एज ऑल्टरनेटिव में जो साइन है वो ग्रेटर देन का है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन Z अल्फा आएगा। अब अल्फा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड इन केस ऑफ 2 टेल टेस्ट होता है, क्योंकि ये 1 टेल टेस्ट है तो यहाँ Z अल्फा ही आएगा। तो ये हमारे पास जी एक्सिस हो गया 0, और इसकी जो वैल्यू है जेड अल्फा 0.05 को टेबल में देखा तो 1.645 पॉजिटिव वैल्यू, तो इस साइड पे फॉल करेगी, तो ये आगे 1.645। इससे आगे की वैल्यूज जितनी भी हैं वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करती हैं। अब जी वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट की तो हमारे पास आ गया
67 सैंपल मीन हमारे पास क्या था 67.47 और ये म्यू नॉट 67.39 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी 1.3 डिवाइडेड बाय एन एन है 400 इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 1.23 और सिक्स स्टेप जो है हमारे पास क्या है कंक्लूजन एज कैलकुलेटेड वैल्यू डेट इज जी इक्वल टू 1.23 आप देखें ये जो क्रिटिकल रीजन में जो वैल्यूज फॉल करती है 1.6 से ज्यादा की जो होंगी इससे पीछे वाली कम वाली है यानी कि 1.2 तो यहां कहीं फॉल कर रहे हैं ना 1.2 यहां कहीं फॉल कर रहा है विच इज एक्सेप्टेंस रीजन सो एस जी विच इज इक्वल टू 1.23 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन सो वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतनी एविडेंस नहीं है कि हम इस एच नॉट को रिजेक्ट कर सकें अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद अ नॉन वेरियंस डेट इज 25 इफ द मीन ऑफ अ सैंपल इज 42.6 टेस्ट द नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू 45 अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू लेस देन 45 विद द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 बिल्कुल उसी तरीके से नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फर्स्ट स्टेप में हम स्टेट करेंगे इक्वल टू 45 एंड ऑल्टरनेटिव क्या है म्यू लेस देन 45 अब ये भी हमारे पास वन टेल टेस्ट है लेस देन की फॉर्म में ऑल्टरनेटिव हो या ग्रेटर देन की फॉर्म में ऑल्टरनेटिव हो डेट इज वन टेल टेस्ट ऑल्टरनेटिव में कभी भी इक्वेलिटी साइन नहीं आता इक्वेलिटी साइन सिर्फ नल हाइपोथेसिस में आता है दूसरा अल्फा 0.05 है थर्ड जेड स्टेटिस्टिक्स विच इज अंडर एच नॉट When Z is a standard normal distribution. Fourth में क्या है क्रिटिकल रीजन अब ये है ये किस पे डिपेंड करता है ऑल्टरनेटिव पे ऑल्टरनेटिव में लेस देन आ रहा है जब लेस देन का साइन होगा तो माइनस जेड अल्फा हमारे पास आएगा क्योंकि ये लेफ्ट टेल पे फॉल कर रहा है और लेफ्ट टेल पे नेगेटिव वैल्यूज होती है हमारे पास ये Z एक्सिस है जीरो है तो जेड अल्फा यहां कहीं है माइनस 1.645 ये इसकी टेबल वैल्यू आ गई 1.645 ये क्रिटिकल रीजन है आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे Z की इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सैंपल मीन क्या है 42.6 माइनस 45 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 क्योंकि वेरियंस 25 था 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 आ गया डेट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एन डिवाइडेड बाय एन इसको कैलकुलेट किया तो विच इज इक्वल टू माइनस 2.88 अब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे एज जी इज इक्वल टू माइनस 2.88 अब जी की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है सो वैल्यू ऑफ जी फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन वे विल Reject H not. So for case 1 we have discussed all the 3 possible ways of stating null and alternative hypothesis. Now we will discuss testing hypothesis about mean of a normal population when sigma is unknown. Sigma stands for standard deviation. When population standard deviation that sigma is unknown and the sample size n is large that is 30 more than 30 अगर हमारे पास sample size हो और standard deviation unknown हो तो then we use sample standard deviation s instead of population standard deviation s for large sample size that is n
greater than 30, the central limit theorem allows us to assume that sampling distribution of x bar is approximately normal with the mean of mu and standard deviation s over n square root. In other words, you can say that sigma is replaced to s and the variable becomes, that is z, x bar minus mu naught s over n square root. बाकी सारी values उसी तरीके से हम इसमें substitute करेंगे, बस sigma की जगह हमने इसको s से replace कर दिया है. और testing hypothesis में बाकी सारे steps हमारे पास वही होंगे. पहले step में null and alternative hypothesis हम state करेंगे. Second में level of significance, that is alpha. तीसरे में z statistic जो कि हम ये use करेंगे. Under H note, fourth में उसी तरीके से critical region, fifth में computations, values calculate कर ली, z की value calculate कर ली, sixth में हम conclusion draw करेंगे. आइए इस केस के भी हम कुछ examples करते हैं. The IQ of the college student are known to be normally distributed with a mean of 123 and a random sample of 49 students showed an average IQ of mean is equal to 120.67 and sample standard deviation is equal to 8.44. Test the hypothesis that mean IQ is equal to 123 against the alternative hypothesis it is less. In any case, alternative hypothesis हमारे पास है, mu is less than 123, यानी के IQ जो है वो less than 123 होगा. पहले स्टेप में हम उसी तरीके से स्टेट null and alternative hypothesis that is null hypothesis is that is as mu equal to 123. It shows that IQ level on the average is equal to 123. और alternative में हमारे पास क्या given था कि it is less than 123. कि IQ level जो है on the average less than 23 है. So it is one tailed test. दूसरे step में level of significance जो कि हमारे पास given है 0.05. third step क्या था, test statistic. to be used, that is z equal to x bar minus mu naught s over sample standard deviation as it is not given in the example. So we have to calculate sample standard deviation s in a large sample size under H note where z is approximately standard normal variable. Fourth step में हमारे पास क्या है, critical region. और ये जो है किस पे depend करता है, alternative hypothesis. इसका जो direction होगी हमें पता चलती है alternative hypothesis पे. alternative जो है mean हमारे पास less than 123 है, less than की जब बात होगी तो ये minus z alpha होगा, minus z 0.05 और which is equal to 1.645. ये हमारा critical region है, इसको draw कर लेते हैं. इसको draw करने से understand करना आसान हो जाता है. ये z axis आ गया, ये मीन जीरो हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और 1.645 हम कहते हैं ये यहाँ कहीं फॉल करेगी क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जीरो के लेफ्ट पे होती है, पॉजिटिव वैल्यू जीरो के राइट पे होती है. तो ये हमारे लेस देन वाला एरिया जो है दैट इज क्रिटिकल रीजन. और फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. सैंपल मीन हमारे पास था 120.67 और mu naught हमारे पास क्या है 123, s 8.44, n is 49 और इसको कैलकुलेट किया minus 2.33
49 ऊपर गया तो ये 7 बन गया, तो नीचे रह गया 8.44, तो विच इज फाइनली इक्वल टू -1.93। अब ये देखें -1.93 जो है इस एरिया में फॉल कर रहा है क्रिटिकल रीजन में, क्योंकि आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, -1.6 है यहाँ, कहीं -1.8 होगा यहाँ, कहीं करके -1.9 होगा। कंक्लूजन हमारे पास क्या हो जाएगा, एज कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इज जेड इक्वल्स टू -1.93 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, वी विल रिजेक्ट एच नॉट। अब एच नॉट हमने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब है जो आईक्यू लेवल है स्टूडेंट्स का वो ऑन द एवरेज 123 नहीं है बल्कि 123 से कम है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। कैन वी रिजेक्ट द क्लेम दैट द एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज एटलीस्ट 50 इयर्स इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 मेंबर्स हैज अ मीन ऑफ 48.7 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन 3.0 इयर्स अज्यूम ऑल द मेंबर्स एजेस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01। पहले स्टेप में हम हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे, स्टेट नल एंड ऑल्टर नेटिव हाइपोथेसिस। दैट इज एज नॉट, जो चीज हमने टेस्ट करनी थी वो था पार्लियामेंट मेंबर की एवरेज एज जो है एटलीस्ट 50 है। जब वर्ड एटलीस्ट यूज होता है इसका मतलब है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50। जब इक्वल का साइन हमारे पास आता है तो हम उसको नल हाइपोथेसिस में स्टेट करते हैं। तो मीन ऑन द एवरेज एज हमारे पास क्या आ गई, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50। और इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, इसका उलट लेस देन 50। तो ये हमारे पास कौन सा टेस्ट हो गया, वन टेल्ड टेस्ट। दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हमारे पास है 0.01। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स स्टेट करेंगे, दैट इज z इक्वल टू x बार माइनस म्यू नॉट s डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट। एज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन एंड वी हैव कैलकुलेटेड इट फ्रॉम द सैंपल एंड सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30, सो वी कैन रिप्लेस सिग्मा टूवर्ड्स s। अंडर एच नॉट वेयर z इज अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ में क्रिटिकल रीजन हम ड्रॉ करेंगे विच इज बेस्ड ऑन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्रिटिकल रीजन की डायरेक्शन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करती है जो कि लेस देन है, लेस देन की वैल्यू को माइनस जेड अल्फा से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया माइनस जेड 0.01, इसकी टेबल वैल्यू हमारे पास आ गई 2.33। अब इसको ड्रॉ कर लिया, ये जेड एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास मीन आ गया, ये जीरो है तो यहां कहीं करके 2 की वैल्यू ले ली हमने -2.33। इससे लेस देन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन। अब हम z वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सैंपल मीन हमारे पास है 48.7, म्यू नोट 50, s है 3 और n 36। इसको कैलकुलेट किया तो आ गया -7.8 डिवाइडेड बाय 3.1 एंड विच इज इक्वल टू -2.52। अब ये वैल्यू भी ये -2.33 है तो इससे आगे -2.40 होगा, फिर आगे -2.5 यहाँ कहीं करके -2.52 होगा। मींस के z की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। तो कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, एज z which is equal to -2.52 falls in the critical region, so we reject h naught। h naught क्या था कि पार्लियामेंट मेंबर की जो एवरेज एज है एटलीस्ट 50 है, हमने h naught को रिजेक्ट कर दिया।
इट्स मीन वी हैव नॉट एनफ एविडेंस टू से डेट दैट द एवरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैज एट लीस्ट 50 years age.